आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सिंटैक्स इंग्लिश की पोम इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप बाय रॉबर्ट ब्रॉनिंग। इसके पोइट है, ऑथर है रॉबर्ट ब्रॉनिंग। और ये जो पोम है, द पोम डिस्क्राइब्स एन एक्ट ऑफ शिवेलरी, गैलेंट्री, पेट्रियोटिज्म एंड सेक्रीफाइस ऑन द पार्ट ऑफ अ यंग मैन, यंग फ्रेंच सोल्जर आप कह लीजिए। यानी इस पोम का जो आप सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं कि ये शिवेलरी के ऊपर है, बहादुरी पे है, गैलेंट्री या पेट्रियोटिज्म, हुबल वतनी, मुल्क से मोहब्बत, कुर्बानी के ऊपर एक यंग फ्रेंच सोल्जर की कहानी है कि किस तरह से रेडिसबन में उसने फाइट की बहादुरी से, वो जख्मी था और उसने गुड न्यूज़ सुनाई नेपोलियन को, जो कि एक माउंट पे खड़ा हुआ था और वेट कर रहा था कि इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा। तो शुरू करते हैं इस पोम को। यू नो वी फ्रेंच स्टॉर्म रेडिसबन, जैसा कि आप जानते हैं हम फ्रेंच ने हमला किया था। स्टॉर्म का मतलब यहाँ पे हमला करना है। रेडिसबन में एक शहर अ माइल और सो अवे, एक मील या उससे थोड़े फासले पर फ्रांस से, ऑन अ लिटिल माउंट नेपोलियन स्टूड ऑन आवर स्टॉर्मिंग डे, एक छोटे से टीले के ऊपर रेत के नेपोलियन खड़ा हुआ था उस हमले वाले दिन। विद नेक आउट थ्रस्ट, गर्दन उसने अपनी बाहर निकाली हुई थी, यू फैंसी हाउ, और गहरी सोच में मुब्तला था, लेग्स वाइट, पांव उसने अपने वाइट किए हुए थे, आर्म्स लॉक बिहाइंड और हाथ पीछे बांधे हुए थे, एज इफ टू बैलेंस द प्रॉन ब्रो ऑप्रेसिव विद इट्स माइंड, और सोच रहा था, किसी गहरी सोच में मुब्तला था और उसके जहन में ये बात चल रही थी, जस्ट एज परहैप्स ही म्यूज्ड, और उसने शायद म्यूज कहते हैं सोचना शुरू किया अपने जहन में, माई प्लान्स दैट सोर, मेरे जो प्लान है जिनके बारे में सोच रहा हूँ, टू अर्थ में फॉल, जो उड़ रहे हैं, जो हमला करने के हैं, सोर माने उड़ना है, उड़ान करना है, ऐसा ना हो मेरे प्लान नाकाम हो जाए, रेडिसबन पे जो हमला किया है मैंने। लेट वंस माई आर्मी लीडर लैंड्स वेव एट योंडर वॉल, कि मेरे आर्मी मैन को आने दिया जाए, मुझे उसका इंतजार करना चाहिए कि वो क्या खबर लाता है योंडर वॉल वहां से। आउट ट्विक्स द बैटरी स्मोक्स देयर फ्लू अ राइडर बाउंड ऑन बाउंड, यानी सामने से फिर उसको एक राइडर नजर आता है, एक धुआं सा उठता है, हॉर्स राइडिंग करता हुआ राइडर बाउंड ऑन बाउंड दौड़ लगाता हुआ आ रहा है, फुल गैलपिंग, यानी उसका जो घोड़ा है, गैलप कहते हैं सरपट दौड़ना, नॉर ब्राइडल ड्यू अंटिल ही रीच द माउंट, और उसने उसकी कोई ब्राइडल लगाम नहीं खींची जब तक वो माउंट पे पहुंच ना गया, उसको खूब दौड़ाता हुआ नेपोलियन की तरफ दौड़ लगाता हुआ सोल्जर आ रहा है नेपोलियन को खबर सुनाने के लिए। Then off their flung in smiling joy, और फिर घोड़े से छलांग मार के वो उतरता है सोल्जर, and held himself erect, और सीधा खड़ा हो जाता है उसके सामने नेपोलियन की, by just his horse's mane upwaye, horseman कहते हैं घोड़े की गर्दन के बाल पे हाथ रख के वो उसको प्यार कर रहा है, you hardly could suspect, और आपको बिल्कुल भी शक नहीं होगा, so tight he kept his lips compressed, scarcely any blood came out, और उसने बहुत ही tightly अपने lips को compress किया हुआ है, दबा के रखा हुआ है कि कहीं उसके मुंह से blood ना आना शुरू हो जाए, क्योंकि वो जख्मी है, injured है, आर पार उसको तलवार हो चुकी है, लेकिन वो गुड न्यूज सुनाने आया है नेपोलियन को, खबर सुनाने आया है, उसकी बहादुरी, उसकी पेट्रियोटिज्म, हुबुल वतनी, मुल्क से जज्बा और शिवेलरी के ऊपर ये पोइट्री है। तो यू लुक ट्वाइस बिफोर यू सॉ हिज ब्रेस्ट वॉज ऑल बट शॉट इन टू, उसके ब्रेस्ट के ऊपर वार हुए हैं दो मरतबा, लेकिन फिर भी वो बहादुरी से अपने चीफ के सामने खड़ा है और उसने अपना लिप्स को कंप्रेस किया हुआ है कि कहीं ब्लड ना आ जाए। वेल क्राइड ही, एम्पायर बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव गॉट यू रेडिसबन, खुदा के फजल से बादशाह सलामत, एम्पायर वो कह रहा है कि हमने जो है अपने चीफ से कहता है कि रेडिसबन शहर पे कब्जा कर लिया है, द मार्शल इज इन द मार्केट प्लेस एंड यू विल बी देयर एनम, मार्शल यानी कि अब फौजी कानून आ गया है, चारों तरफ हमारी फौज मौजूद है वहां पर और बहुत जल्द आप वहां पर होंगे रेडिसबन शहर में, एंड टू सी योर फ्लैग बर्ड फ्लैप हिज वैन, और अपना परिंदा देखेंगे जो झंडे पे जो परिंदा बनाए कि वो लहरा रहा होगा,
अपने पर वहां पर, यानी हमारा झंडा वहां गड़ा हुआ आप देखेंगे। वेयर आई टू हार्ट्स डिजायर, जहां मेरी भी ख्वाहिश थी, पर्च हिम द चीफ्स आईज फ्लैश हिज प्लान शोड अप अगेन लाइक फायर। जब उसने उसको ये खबर सुनाई तो चीफ की आंखें जो थी, चीफ से मुराद नेपोलियन की आंखें, चमकी और फिर दोबारा से उसकी ख्वाहिशात जागी के वो के अब लाइक फायर हिज आईज हिज प्लान शोड अप लाइक फायर अगेन लाइक फायर, यानी जो उसके प्लान थे दोबारा से उड़ने लगे, उड़ान उड़ने लगे कि मुझे कामयाबी मिल गई रेटिस्बन शहर में। द चीफ्स आई फ्लैश बट प्रेजेंटली सॉफन इटसेल्फ एज शी दिस फिल्म द मदर ईगल्स आई वेयर हर ब्रीज ईगलेट ब्रीज। चीफ की आंखें जैसे ही चमकी थी खुशी से, प्रेजेंटली वो सॉफ्ट हो गई, दोबारा से सॉफन हो गई, मदम पड़ गई। और शीतस जैसे कि फिल्म कवर कर लेना, जैसे कि एक मदर ईगल आसमान पे से अपने बच्चे को सांस लेते हुए देख लेती है और बर्ड आई व्यू में देख लेती है कि उसका बच्चा जख्मी है, परेशान है या भूखा है या जो भी है, इसी तरह से चीफ ने अपनी आंखों से पढ़ लिया कि यानी उसका जो सोल्जर है वो जख्मी है। तो वो चीफ सवाल करता है, यू आर वाउंडेड, तुम जख्मी हो। ने हिज सोल्जर्स क्राइड, नहीं, उसके सोल्जर ने जवाब दिया, टच टू द क्विक ही सेड, और सीने पे हाथ रख के उसने क्विकली कहा, आई एम किल्ड सर, मैं जख्मी नहीं हूँ सर, मैं मर गया हूँ, मेरी मौत हो गई है। एंड हिज चीफ बिसाइड्स स्माइलिंग द बॉय फेल्ट दैट, और चीफ जो था वो बराबर में खड़ा हुआ स्माइल कर रहा था, उसकी गैलेंट्री, उसकी बहादुरी, उसकी पेट्रियोटिज्म, मुल्क से मोहब्बत और जो गुड न्यूज वो लाया था उसके लिए, और सोल्जर जमीन पे गिरा और उसकी डेथ हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।